हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज मैं आप लोग को वोटर कार्ड एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ट्रांसफ़र कराते हैं ऑनलाइन में घर बैठे, वो मैं इस वीडियो में आज आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। उसके लिए देखिए गाइस, आप लोग दो तरीके से अपना वोटर कार्ड किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करा सकते हो। तो एक है ऐप्स के मदद से भी आप लोग कर सकते हो, और दूसरा है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आप लोग कर सकते हो। तो देखिए गाइस, अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैसे अपना वोटर कार्ड एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कराते हैं, मैं वही आप लोग को इस वीडियो में स्क्रीन पर सब कुछ दिखा दूंगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि गाइस मैं इसी तरीके का वीडियो और भी लाता रहूँगा आप लोगों के हेल्प के लिए। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं स्क्रीन पर अभी आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको सिंपली हमें टाइप कर देना है NBSP और सर्च कर देना है। NBSP लिख के सर्च कर देने के बाद देखिए गाइस, ऊपर में आपको देखने को मिले www.nbsp.in। तो ये वोटर कार्ड का ऑफिशियल साइट है। देखिए गाइस, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है ये। तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, और उसके बाद देखिए गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखिए गाइस, करेक्शन करने के लिए, वोटर आईडी का डिलीट करने के लिए, ये सब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, सब कुछ करने के लिए देखिए गाइस पहले आपको रजिस्टर करना होगा। हमें लॉगिन और रजिस्टर है। तो देखिए गाइस, सिंपली आपको रजिस्टर पर सिंपली क्लिक कर देना है। लॉगिन और रजिस्टर पर सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए गाइस, अभी तो ये आपके पास यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं है, तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो देखिए गाइस, अगर आप पहली बार यहाँ में आ रहे हो तो डोंट हैव अकाउंट, रजिस्टर एज ए न्यू यूजर, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस, इंटर मोबाइल नंबर और कैप्चा सिंपली हमें दे देना है। देखिए गाइस, मैं एक वैलिड मोबाइल नंबर देके आप लोग को यह मैं दिखा रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए गाइस, कैप्चा फिल कर देने के बाद सेंड OTP पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस OTP जाएगा आपका मोबाइल नंबर पर, और वो OTP सिंपली हमें दे देना है। सिंपली OTP हमें देने के बाद सिंपली वेरीफाई OTP पर क्लिक करके अपना पासवर्ड जो भी है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी देके, एक वैलिड ईमेल आईडी देके पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। और पासवर्ड क्रिएट कर देने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पर फिर से होम पेज पर आना है। देखिए गाइस, मैं फिर से होम पर जाता हूँ। होम पर जाने के बाद सिंपली फिर से लॉगिन रजिस्टर है, फिर से यहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आपने वहाँ में मोबाइल नंबर दिया है तो सिंपली वो मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है यूजर नेम पर। अगर आपने ईमेल दिया है वहाँ में तो सिंपली यूजर नेम पर ईमेल देना है। उसके बाद पासवर्ड आपने जो भी क्रिएट किया है वही पासवर्ड सिंपली हमें दे देना है। उसके बाद कैप्चा, ये कैप्चा सिंपली हमें फिल कर देना है। और उसके बाद देखिए गाइस, सिंपली लॉगिन है, लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए गाइस, मैं लॉगिन पर आप लोग को लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस, आप लोग हमें देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अब ये फाइनली देखिए गाइस, वेलकम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप यहाँ में देख सकते हो वेलकम। आप लोग यहाँ में देख सकते हो फ्रेश इंक्लूजन एनरोलमेंट और माइग्रेशन टू अनदर प्लेस। देखिए गाइस, अगर आपको किसी एक प्लेस से दूसरा एक प्लेस पर अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर करना है तो गाइस ये माइग्रेशन टू अनदर प्लेस पर सिंपली क्लिक कर देना है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस मतलब ट्रांसफर करने के लिए देखिए गाइस ये इसमें क्लिक करना है। अगर आपको वोटर आईडी पर कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन के लिए देखिए, करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप करेक्शन भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए, डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट सेल्फ फैमिली, आपका फैमिली का कोई भी ईपिक नंबर और खुद का वोटर कार्ड या फैमिली का वोटर कार्ड डिलीट करना है तो गाइस ये आप यहाँ पर सिंपली परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है, और आप लोग वो भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टर्स फोटोस आइडेंटिटी कार्ड, तो आप लोग कैमरे देख सकते हो रिप्लेसमेंट कर सकते हो इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड का। देखिए गाइस, अगर आपका वोटर कार्ड खो चुका है और आप फिर से एक वोटर कार्ड डाउनलोड करना सोच रहे हैं तो गाइस आप लोग देखिए सिंपली यहाँ में आके भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड ई
ईपिक। तो देखिए गाइस सिंपली अपना वोटर कार्ड, डिजिटल वोटर कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद देखिए गाइस माइग्रेशन टू अनदर प्लेस पर सिंपली क्लिक कर देना है। प्लीज प्रोवाइड बिलो डिटेल्स, और यहाँ में सेल्फ है और उसके बाद फैमिली है। देखिए गाइस अगर आप खुद के लिए किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वोटर कार्ड ट्रांसफर करना चाहते हो तो सेल्फ पर सिंपली क्लिक करना है। अगर फैमिली के लिए है तो फैमिली पर सिंपली टिक मार्क देना है इस तरीके से। तो देखिए गाइस मैं सेल्फ पर ही कर देता हूँ। उसके बाद देखिए अपने हिसाब से कर लीजिए ये। उसके बाद माइग्रेशन आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी और माइग्रेशन विथ इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए गाइस अगर आप लोग सपोज मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में रहते हो और उसके बाद दिल्ली से देखिए गाइस आप असम में अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर कर रहे हो तो सिंपली ये फास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, माइग्रेशन आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए गाइस अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, अलग अलग है, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जाना है तो गाइस ये इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग है तो सिंपली फास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, माइग्रेशन आउटसाइड योर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर सिंपली क्लिक करना है। और अगर माइग्रेशन विद इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आपको अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर कराना है तो गाइस ये वाला ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। सपोज आप असम में रहते हो और असम का एक गांव पर रहते हो और उस गांव से आप लोग किसी दूसरे गांव पर, असम के भीतर ही किसी दूसरे गांव पर अगर आप लोग अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर करा रहे हो तो देखिए गाइस सिंपली ये वाला ऑप्शन पर, सेकेंड वाला ऑप्शन पर सिंपली इस तरीके से क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है। उसके बाद देखिए गाइस अपने हिसाब से ये चूज करना है और उसके बाद देखिए गाइस सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देने के साथ साथ ही देखिए गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। और उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट लैंग्वेज, भाषा का चयन करें, मतलब आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यानी सिंपली देखिए गाइस हिंदी है अभी, अभी सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए गाइस अभी इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, आसामीज, बंगाली, कनाडा, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, तो ये सारा लैंग्वेज यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए गाइस आप लोग अपना हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देखिए गाइस मैं सिंपली इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे साथ साथ ही देखिए गाइस ये सब इंग्लिश में कन्वर्ट होके आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। और अभी क्या करना है देखिए गाइस, सपोज अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो और आप लोग अपना वोटर कार्ड असम में ट्रांसफर करा रहे हो तो देखिए गाइस सिंपली स्टेट, ये में स्टेट है तो ये सब कुछ जहां पर आप लोग जाना चाहते हो वहां का एड्रेस यहाँ में दे देना है। देखिए गाइस सब कुछ एड्रेस वहीं का दे देना है जिस जगह पर आप लोग जा रहे हो, उस जगह का डिटेल्स भर देना है हमें। तो देखिए गाइस सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, सेलेक्ट स्टेट। देखिए गाइस अगर आप लोग दिल्ली में हो और असम में ट्रांसफर कर रहे हो अपना वोटर कार्ड तो सिंपली देखिए गाइस असम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए गाइस सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट सिंपली जो भी है सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए गाइस असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो सिंपली इस पर क्लिक सेलेक्ट करना है। और जो भी है देखिए गाइस तिनसुकिया, डिगबोई, मार्गरेटा, डुमडुमा, ये सब आपको देखने को मिलेगा, अपने हिसाब से ये करना है। देखिए गाइस सद्या, और उसके बाद सिंपली स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिए गाइस एज ए फर्स्ट टाइम वोटर के लिए ये है देखिए गाइस, और ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो अगर अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आप लोग अपना वोटर कार्ड शिफ्टिंग करा रहे हो तो देखिए गाइस ये ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर सिंपली टिक लगा देना है इस तरीके से, ये देखिए गाइस। और उसके बाद देखिए गाइस यहाँ में पार्टिकुलर इन सपोर्ट ऑफ माय क्लेम फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रूल आर गिवेन बिलो, तो देखिए गाइस अभी जिस जगह पर आप लोग अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर करा रहे हो वो सब कुछ अभी दे देना है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा इस मैंडेटरी पार्टिकुलर्स, तो नेम है आपका, जो भी नेम है तो वो नेम दे दीजिए, वोटर कार्ड में जो भी नेम है सिंपली वो नेम दे देना है। देखिएगा इसमें आप लोग को एक नेम देके आप लोग को दिखा देता हूँ।
राज लिख दिया। तो राज लिखने के साथ साथ ही देखिएगा यहाँ में आप लोग को इन रीजनल में ये ऑटोमेटिक टाइपिंग होके रीजनल लैंग्वेज पर आ जाएगा। तो ये अपना हिसाब से आप लोग अगर यहाँ में गलत आया है तो गाइस यहाँ में जाके सिंपली क्लिक करना है इस पर, और उसके बाद यहाँ से आप लोग अपना हिसाब से सिलेक्ट करके टाइप रख सकते हो, टाइपिंग करके रख सकते हो वो नाम। तो ये आप लोग अपना हिसाब से करिए। उसके बाद सरनेम दे देना है आपका जो भी है, उसी तरीके से यहाँ में दे दीजिए। उसी तरीके से यहाँ में इन रीजनल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके यहाँ में आएगा। और उसके बाद देखिएगा नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, तो ये एप्लीकेंट का देखिएगा रिलेटिव का नाम दे देना है यहाँ में। अगर हस्बैंड का नाम देना चाहते हो तो हस्बैंड का नाम, अगर मदर का नाम देना चाहते हो तो मदर का नाम, अगर फादर का नाम देना चाहते हो तो फादर का नाम, वो अपना हिसाब से हमें दे देना है। फर्स्ट नेम दे दीजिए, उसके बाद यहाँ में इन रीजनल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके हमें आ जाएगा। उसके बाद सरनेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट, तो यह हमें सरनेम जो भी है इसका सरनेम यह हमें दे दीजिए। उसके बाद देखिए इन रीजनल में ऑटोमेटिक ये भी कन्वर्ट होके आ जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन पर सिंपली क्लिक कर देना है, तो ये इनका क्या रिलेशन है तो वो रिलेशन आपको यहाँ में दे देना है। यहाँ में देखिएगा अगर फादर है तो फादर दे देना है, अगर यहाँ में आपने फादर का नाम दे दिया है तो फादर का नाम, अगर मदर का नाम यहाँ में दे दिया है तो मदर का नाम, अगर हस्बैंड का नाम दे दिया है तो हस्बैंड का नाम, अगर वाइफ का नाम आपने दिया है तो वाइफ, अगर गुरु का दिया है तो गुरु, अगर अदर्स कोई भी आप अदर कोई भी दिया है यहाँ में आपने तो सिंपली अदर्स पर क्लिक कर देना है। तो देखिएगा ये अपना हिसाब से कर देना है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ में एज आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ में दो तरीका दिया है यहाँ में, देखिएगा दो तरीके से आप लोग यहाँ में दे सकते हो। देखिएगा एज एज ऑन 1 जनवरी ऑफ करेंट कैलेंडर ईयर्स, और उसके बाद देखिएगा सेकेंड नंबर डेट ऑफ बर्थ, तो सिंपली देखिएगा ये अपना हिसाब से दे देना है। सिंपली मैं डेट ऑफ बर्थ पर सिंपली क्लिक कर देना है, और डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर देने के बाद देखिए कैलेंडर पर जाना है, नहीं तो आप यहाँ में खुद से भी लिख सकते हो। देखिएगा 22 जो भी है अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, 03/1997, तो इस तरीके से दे दीजिए। उसके बाद ये फाइनली हो जाएगा, देखिएगा। और उसके बाद जेंडर जो भी है, जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट का जेंडर क्या है, अगर फीमेल है तो फीमेल, अगर मेल है तो मेल, तो मेल फीमेल, और देखिए गाइस थर्ड जेंडर तो अपना हिसाब से दे देना है। उसके बाद देखिए गाइस सिंपली नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद देखिए गाइस पोस्टल एड्रेस वेयर एप्लीकेंट इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो देखिए गाइस पोस्टल एड्रेस आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस सब कुछ यहाँ में दे देना है, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस। तो देखिए गाइस स्टेट, तो यहाँ में स्टेट ऑटोमेटिक आपने वहाँ में जो सिलेक्ट किया है वही स्टेट यहाँ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस हाउस नंबर यहाँ में दे दीजिए, तो हाउस नंबर सिंपली देखिए गाइस ये देने के साथ साथ ही यह में भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आएगा, देखिए गाइस। तो अगर यह में नहीं आता है तो गाइस सिंपली यहाँ में जाके आप लोग फिर से उसी तरीके से यहाँ से भी आप लोग दे सकते हो। और उसके बाद देखिए गाइस स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी अपना गाँव का नाम यहाँ में दे दीजिए, और उसके बाद देखिए गाइस विलेज का नाम सिंपली वही दे दीजिए, और उसके बाद देखिए गाइस पोस्ट ऑफिस यहाँ में दे दीजिए, उसके बाद पिन कोड यहाँ में दे दीजिए। तो ये सारा कुछ दे देने के बाद देखिए गाइस यहाँ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाएगा। अगर नहीं आता है, अगर गलत टाइपिंग होके आता है तो सिंपली यहाँ में जाके आप लोग अच्छे तरीके से टाइपिंग करके भी रख सकते हो। तो ये हो गया पोस्टल एड्रेस, तो देखिए गाइस सिंपली वही दे देना है, आप लोग जिस जगह पर जा रहे हो उसी जगह का सब कुछ यहाँ में फिल कर देना है। और उसके बाद देखिए गाइस परमानेंट एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, अब एप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस कौन सा है, देखिए गाइस ये अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली का देना नहीं है हमें, जिस एड्रेस पर आप लोग जा रहे हो, जिस एड्रेस पर आप लोग अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर करा रहे हो तो वही एड्रेस आपको यहाँ में दे देना है परमानेंट एड्रेस। तो सिंपली देखिए गाइस अगर ये एड्रेस, ये पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है आपका, तो गाइस इस पर सेम एज अबव बोल के है हमें, तो इस पर सिंपली टिक लगा देना है, तो ऑटोमेटिक हमें टाइपिंग होके आ जाएगा। देखिए गाइस ये मैंने टाइप नहीं किया था 123, तो ये हमें जो एड्रेस आपने फिल किया है वही एड्रेस सब कुछ हमें आ जाएगा। तो सिंपली ये भी दे दीजिए, उसी तरीके से अपना
परमानेंट एड्रेस क्या है वो तो इजी है गाइस, आप लोग इजीली दे सकते हो। उसके बाद देखिए गाइस ईपिक नंबर इफ इशूड, तो ये स्टार मार्क नहीं है, तो स्टार मार्क नहीं है तो गाइस आप लोग ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और सिंपली देखिए गाइस फैमिली नई बार ईपिक नंबर अगर है तो आप लोग इजीली दे भी सकते हो, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो ये अपना हिसाब से दे देना है, अपना हिसाब से करिए ये। उसके बाद देखिए गाइस ऑप्शनल पार्टिकुलर्स, तो ये ऑप्शनल पार्टिकुलर्स में क्या है, डिसेबिलिटी इफ एनी के टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स। तो देखिए गाइस अगर आपका कोई डिसेबिलिटी बीमार है, तो अगर आपके आँख नहीं है, अगर आपके हाथ नहीं है, तो उस तरीके का डिसेबिलिटी है आपके बॉडी में, तो गाइस अपना हिसाब से ये सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए गाइस ये अपना हिसाब से करिए। और उसके बाद देखिए गाइस ईमेल आईडी ऑप्शनल, मोबाइल नंबर ऑप्शनल, ये भी आप लोग स्टार मार्क नहीं है तो ये भी आप लोग ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद देखिए गाइस अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखिए गाइस क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी चाहिए वो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। योर फोटोग्राफ, अपलोड फोटो है यहाँ में, तो अपलोड फोटो पर देखिएगा सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी फोटो है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो बना कर रखना है और वो फोटो सिंपली हमें अपलोड कर देना है। और उसके बाद देखिएगा एज प्रूफ, एज प्रूफ देखिएगा यहाँ में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एज प्रूफ के लिए आप लोग क्या क्या दे सकते हो यह में आप लोग देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, मार्कशीट दे सकते हो क्लास 5 का और क्लास 8 का मार्कशीट दे सकते हो। उसके बाद देखिएगा इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हो, अगर ये नहीं है तो ये दे सकते हो, अगर इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो पैन कार्ड भी दे सकते हो, अगर पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आधार कार्ड भी दे सकते हो, अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो देखिएगा क्लास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास टेन ट्वेल्व का जो भी क्लास टेन और ट्वेल्व का मार्कशीट, नहीं तो एडमिट कार्ड में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है तो गाइस वो भी आप लोग हमें दे सकते हो। तो ये अपना हिसाब से दे देना है इफ डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन देयर इन। तो देखिए गाइस सर्टिफिकेट ऑफ द क्लास 10 और 12 इशूड बाय सीबीएसई आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स इफ डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन देयर इन, तो अपना हिसाब से सिलेक्ट करना है। और उसके बाद देखिए गाइस एड्रेस प्रूफ में आप लोग क्या क्या दे सकते हो, सिंपली टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पर सिंपली क्लिक कर देना है। और देखिए गाइस एड्रेस प्रूफ में आप लोग इंडियन पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो अगर है, और यह में आप लोग देख सकते हो शेड्यूल बैंक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेंट, तो देखिए गाइस खजाना का रसीद होता है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दिया जाता है वो, तो वो भी आप लोग दे सकते हो, और राशन कार्ड है तो अगर राशन कार्ड भी दे सकते हो, इनकम टैक्स असिस्मेंट ऑर्डर, अगर इनकम टैक्स असिस्मेंट ऑर्डर का कोई भी आपको इनकम टैक्स असिस्मेंट ऑर्डर ये भी आप लोग दे सकते हो। तो टेलीफोन बिल ये देखिए गाइस ये अपना हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एड्रेस, और विलेज का जो कि हेडमैन का अगर गांव बूढ़ा का कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो एड्रेस के लिए, तो गाइस ये फादर्स पर सिंपली सिलेक्ट करना है, और अगर पासबुक है तो पासबुक भी आप लोग दे सकते हो। तो ये सब आप लोग अपने हिसाब से देखिए। तो देखिए गाइस अगर आप लोग अदर्स कोई दूसरा एड्रेस प्रूफ दे रहे हो तो गाइस सिंपली अदर्स पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये हमें अपलोड कर देना है, वो चूज फाइल पर जाके सिंपली अपलोड कर देना है। और देखिए गाइस उसके बाद सिंपली नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद देखिए गाइस आप लोग को मैं अभी दिखा देता हूँ। अभी देखिए गाइस सब कुछ देने के बाद सिंपली नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद डिक्लेरेशन है हमें, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज टाउन विलेज। तो आप देखिए गाइस अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आपका जन्म अगर दिल्ली में हुआ है तो गाइस जिस जगह पर आपका जन्म हुआ है उसी जगह का नाम यहाँ में दे देना है, वो नाम दे देना है, विलेज का नाम दे देना है, गांव का नाम, और उसके बाद वो स्टेट का नेम दे देना है यहाँ में, जिस स्टेट से आप लोग अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर करा रहे हो उस स्टेट का नाम दे देना है। देखिए गाइस ऊपर में जिस स्टेट पर आप लोग अपना वोटर कार्ड ट्रांसफर कर रहे हो उस स्टेट का दे देना है, और यहाँ में क्या करना है, जिस स्टेट में आप लोग पहले से रह रहे हो तो वो स्टेट का नाम एड्रेस वो सब कुछ यहाँ में दे देना है, ये फॉर्म में अपना वोटर कार्ड जिस स्टेट में आपने बनाया था
आपको वो स्टेट का नाम सब कुछ ही हमें दे देना है। तो सिंपली ये हमें दे दीजिए, विलेज दे दीजिए, और उसके बाद देखिएगा स्टेट नेम सेलेक्ट स्टेट, तो सेलेक्ट स्टेट जो भी है स्टेट वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद देखिएगा ये हमें डेट दे देना है। देखिएगा आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट एट द एड्रेस गिवन एट एज अबव सीन्स, तो कितने दिन से रह रहे हो, तो वो डेट दे देना है कितने दिन से आप लोग यहाँ में रह रहे हो। इसके बाद सिंपली क्लिक नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद देखिएगा ये हमें एड्रेस ऑफ अर्लियर प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस इफ अप्लाइंग ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम द अनदर कंस्टिट्यूएंसी। तो देखिएगा तो अर्लियर क्या था, पहले का आपका क्या था एड्रेस, वो प्लेस दे देना है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आप लोग को, जिस जगह पर आप लोग ट्रांसफर कर रहे हो तो वो जगह का एड्रेस ये हमें नहीं देना है। जिस भी जगह में आप लोग पहले से ही हो वो जगह का सब कुछ डिटेल्स हमें दे देना है। तो सिंपली वो दे देना है हमें, तो हाउस नंबर दे देना है, उसके बाद विलेज पिन कोड दे देना है वहाँ का, और उसके बाद कंस्टिट्यूएंसी दे देना है जो भी है। सिंपली देखिएगा जो भी एक सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें कंस्टिट्यूएंसी सिंपली जो भी है अपने हिसाब से दे देना है। उसके बाद देखिएगा एरिया लोकेलिटी वहाँ का जो भी है, विलेज का नेम सिंपली दे देना है। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑफिस हमें दे देना है, वहाँ का पोस्ट ऑफिस क्या है। उसके बाद देखिएगा डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सब दे देना है, और उसके बाद ये पिन कोड सिंपली दे देना है। उसके बाद देखिएगा जिस भी जगह से आप लोग ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो वो जगह का नाम दे देना है, सिंपली ये हमें दे देना है। उसके बाद ये डेट ऑटोमेटिक ये हमें आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चर सिंपली फिल करके ये हमें ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिएगा अभी तो मैंने ये सब कुछ फिल नहीं किया है, इसलिए ये हमें अभी एरर बोल के आ रहा है। तो गाइस आप लोग सब कुछ फिल कर दीजिए, उसके बाद ये हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के साथ साथ ही देखिए गाइस आपके सामने में एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, वो रेफरेंस नंबर ये हमें शो करेगा। वो रेफरेंस नंबर सिंपली रेफरेंस नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हो आपका वोटर कार्ड शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो सब कुछ आप लोग देख सकते हो। तो उसके लिए देखिए गाइस मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ में सिंपली देखिएगा डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड पर सिंपली क्लिक कर दूंगा मैं। क्लिक कर देने के बाद देखिएगा ये आप लोग देख सकते हो, तो फर्स्ट इनकम्प्लीट हुआ है और सेकंड में सबमिटेड हुआ है। तो देखिएगा ये आप लोग देख सकते हो यहाँ में, तो ये होता है रेफरेंस नंबर। तो इस तरीके से रेफरेंस नंबर कैपिटल ओ एल के उसके बाद नंबर होता है, तो इस तरीके से रेफरेंस नंबर आता है। तो वो रेफरेंस नंबर सिंपली इस तरीके से कॉपी करके रखना है, और वो कॉपी करके रखना है, उसके बाद आप लोग स्टेटस इजीली चेक कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद देखिएगा किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर वोटर कार्ड ट्रांसफ़र कराना है तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। करेक्शन ये सब तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो देखिएगा आज का मेरा वीडियो में यही था, आप लोग इजीली यहाँ में आके कर सकते हो, नहीं तो आप लोग ऐप्स डाउनलोड करके भी आप लोग कर सकते हो, तो अपना हिसाब से करिए। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस सब्सक्राइब करके रख दीजिए, इसी तरीके का वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। चलो गाइस जय हिंद जय भारत।